गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? वेरी गुड। आज हम क्लास 5 के लिए एक नया लेसन, जिसका नाम है द रेड एंड द एलिफेंट्स, चूहों और हाथियों की। ये बहुत अच्छी स्टोरी है कि हमें कभी किसी को उसके आकार के अनुसार नहीं मापना चाहिए। मैं आपको कहानी का सार बता रही हूँ। लेसन बहुत इंटरेस्टिंग है, 2 पेज की स्टोरी है, तो यू शुड जस्ट ट्राई टू रीड इट। जब हमारी रेगुलर क्लासेस होंगी तब मैं एक बार सब फिर रिवीजन कराऊंगी, लेकिन अभी हम जो काम कर रहे हैं उसमें मैं आपको स्टोरी के बारे में समझा देती हूँ हिंदी में, ताकि आपको समझ में आ जाए। होता क्या है, एक बार एक जंगल में चूहे, आपको पता है, बिल बनाकर रहते हैं। वहां पर एक हाथियों का झुंड आता है, वो पानी की तलाश में उधर आ जाता है और ढूंढते ढूंढते वो बहुत आगे तक भाग रहे होते हैं। बहुत सारे झुंड में हाथी जब होते हैं आपको भाग रहे होते हैं, तो इससे उनको क्या होता है, जो चूहों के घर होते हैं ना, वो उनसे गलती से टूट जाते हैं। ठीक है, तो वो उन्होंने जो राजा था मूषक राज, जो राजा चूहों का राजा था, वो हाथियों के राजा के पास जाता है और उनसे विनती करता है कि आप कृपया करके हमारा जो रास्ता है, हमारे जो घर है, ना तोड़े और आप अपना दूसरा रास्ता ढूंढ लें। इससे क्या होगा कि हमारे घर बच जाएंगे और आप अपने पानी पीने का जो आपका काम है वो आप रेगुलर कर सकते हो। तो इससे वो लोग हंसने लगे, वो कहते हैं इसके बदले आप हमें क्या देंगे, इसके बदले होगा क्या कि हम आपको जब भी आपको हमारी जरूरत होगी हम आपकी मदद कर देंगे, हेल्प करेंगे। बट इट इज स्टिल कि वहां पर कुछ हाथी ऐसे थे, उन्होंने सोचा कि ये तो इतने छोटे हैं, हमारे इतने बड़े लोगों की मदद कैसे करेंगे। तो आफ्टर सम डेज इट हैपेंड, व्हाट हैपेंस आफ्टर सम डेज, वन हंटर, एक बार एक शिकारी वहां जंगल में आ जाता है और वो क्या करता है, उन सभी जो शिकारी होते हैं, शिकारी है, उन सभी जानवरों का क्या करने लग जाता है, शिकार करता है। तो वो क्या करता है, एक जाल बिछा देता है हाथियों के लिए। हाथी इसमें फंस जाते हैं, हाथी बहुत जोर से चिंगाड़ते हैं, ट्रम्पेट उनकी वो जो होती है सुन से बहुत तेज से चिंगाड़ रहे हैं, तो वो आवाज मूषक राज और उसके जो छोकर में चुके थे वो सुन लेते हैं और वो क्या करते हैं, उनकी मदद करने के लिए भागते हैं और जाके रोप्स को काट देते हैं, जाल को काट देते हैं और वो सब रिहा हो जाते हैं। और इस तरह से मूषक राज और जो हाथी थे वो गजराज, वो सब मित्र बन जाते हैं, दोस्त बन जाते हैं, दे बिकम फ्रेंड। सो इस तरह से हमें कभी किसी को उसके आकार के अनुसार मेजरमेंट नहीं करना चाहिए, कि छोटा व्यक्ति कभी कोई काम नहीं कर सकता। कई बार बड़े व्यक्ति की बुद्धि इतना काम नहीं करती जितना कि किसी छोटे बच्चे की बुद्धि काम कर जाती है। इट मींस कि हमें कभी भी किसी को अकॉर्डिंग टू देयर साइज नहीं देखना चाहिए। नाउ द स्टोरी इज फिनिश्ड फ्रॉम माय साइड एंड वी जस्ट हैव टू स्टार्ट ओनली द क्वेश्चन आंसर्स एंड हार्ड वर्क्स टुडे। ओके स्टूडेंट्स, सो वी विल राइट टू नो, टेक आउट योर कॉपीज एंड जस्ट नोट द हार्ड वर्क्स। हम पहले हार्ड वर्ड्स ही लिखेंगे और उसकी मीनिंग्स लिखेंगे उधर ना। हार्ड वर्ड्स विथ मीनिंग। ओके, वी विल स्टार्ट। थर्ड वर्ड यानी जानवरों का झुंड। नंबर टू डिस्ट्रॉय यानी कि डिस्ट्रॉय कर देना यानी कि तोड़ देना, नष्ट कर देना, नष्ट कर देना। नंबर थ्री रूट, रूट का मतलब या तो उनका जो रास्ता होता है जाने का रूट या पथ, ठीक है, मार्ग भी कहते हैं कई लोग इसे। नेक्स्ट है प्लीस्ट, पी एल ई ए एस ई डी, प्लीस्ट, प्लीस्ट का मतलब होता है खुश। नेक्स्ट इज प्रॉमिस्ड, प्रॉमिस करना, वादा करना। शाउट यानी चिल्लाना, ऐसे जो इनकी शाउट चिल्लाना। रियलाइज यानी कि किसी की बात को समझना या महसूस करना, रियलाइज करना समझना।
डेंजर यानी खतरा, डायरेक्शन यानी दिशा, ट्रैप यानी पिंजरा, पिंजरा या जाल भी कह सकते हैं बच्चों इसे, ठीक है। उसके बाद में एचयूएन टीईआर हंटर यानी कि शिकारी, ठीक है। शिकारी हमने कर लिया। नेक्स्ट इज फॉरेस्ट, आप सभी जानते हैं जंगल। फॉरेस्ट का क्या मीनिंग होता है? जंगल होता है एक्सेप्टेड, मानना किसी भी बात को, डिस्टर्ब यानी कि परेशान करना, लाफ LAUGH, लाफ यानी कि हंसना। उन्हें कुछ साथियों ने उन्हें छोटा समझ के बहुत हंसी उड़ाई थी। रोप्स यानी कि रस्सा, ठीक है। नाउ द हार्ड वर्ड्स आर फिनिश्ड, इतने ही है आपको के लिए। अच्छे से लिखेंगे और इन्हें लर्न करेंगे। इसके बाद स्टेटमेंट के बाद में अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स पे। आप लोगों ने नोट कर लिए होंगे, मैं क्वेश्चन आंसर्स आपके साथ करवा देती हूँ आप लोगों को। और बच्चों आप लोगों ने लिख के लर्न करने की कोशिश करिए, पैराग्राफ ज्यादा से ज्यादा पढ़िए क्योंकि आपके पैराग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स आते हैं, ओके। अब हम शुरू करते हैं। आंसर द क्वेश्चंस, ठीक है। नाउ फुट क्वेश्चन नंबर वन, व्हाई डिड द एलिफेंट Why did the elephants pass through the area where the rats live? जहां पर चूहे रहते थे हाथी उस रास्ते से क्यों गुजरे थे? तो हम इसका आंसर क्या लिख सकते हैं? एलिफेंट पास्ट थ्रू द एरिया, पहले क्वेश्चन में से ही आएगा सारा, एलिफेंट पास्ट थ्रू the area where the rat live, the rats live in search of water, पानी की तलाश में वो वहां से गुजरे थे। समझ आ गया आपको? क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखोगे तो आप देखेंगे क्या कि आधा तो क्वेश्चन के अंदर ही आंसर आ जाएगा आपको। नाउ पुट द क्वेश्चन नंबर टू, व्हाई डिड द किंग बाय डिड
द किंग ऑफ रैट्स रिक्वेस्ट द एलिफेंट चीफ टू गाइड हिज हर्ड थ्रू another roof king raja jo the usne chuhon se rasta batane ke liye kyun kaha so we have to write the answer आंसर लिखेंगे द किंग ऑफ द रेड रिक्वेस्टेड द चीफ चूहों के राजा ने रेड रिक्वेस्टेड टू द किंग सॉरी टू द Chief of to the elephant to requested the elephant chief to guide her his herd through. So another roof because they destroyed many homes of the rats even some rats unki kuch jo chuhe the rats were also killed और उनके वहां जाने की वजह से कुछ चूहे मर भी चुके थे क्योंकि वो उनके पैरों के नीचे दब गए थे इसलिए They accepted the
of the rats and took the other way and took the other way this pleased the Mushak Rat. Okay, now come to the question number 4. Why were the elephants shouting one day? Why did the elephant shouting one day? एक दिन हाथियों की का शोर क्यों सुनाई दे रहा था? They were shouting because वे इसलिए चिल्ला रहे थे क्योंकि they were caught. In a trap, kept by hunters. ठीक है, क्योंकि वहां शिकारियों ने क्या कर दिया था बच्चों, वहां शिकारियों ने जाल बिछा दिया था. The last question of this lesson is, how did the rats help the elephants? चूहों ने हाथियों की मदद किस प्रकार करी? The rats helped the elephants by cutting the ropes with their sharp teeth. अपने पहले तीखे दांतों से उन्हें कुतर कर, किसे कुतर कर, रस्सों, जाल के रस्सों को कुतर कर उन्होंने उनको आजाद करा दिया. किन्हें आजाद कराया? एलिफेंट्स को आजाद कराया, उनको फ्री करवा दिया और वो ट्रैप से छूट गए. इस तरह से ये ओनली 5 क्वेश्चन आंसर है, बाकी जो एक्सरसाइज है यू शुड डू योर सेल्फ. आप पढ़ेंगे तो आपको सारी बातें अपने आप पता लग जाएंगी. ओके स्टूडेंट्स, नाउ यू जस्ट नोट हार्ड वर्ड्स एंड क्वेश्चन आंसर्स इन योर कॉपीज एंड ट्राई टू लर्न इट ऑल्सो. पहले इंग्लिश की स्टोरी पढ़ेंगे, फिर उसके हार्ड वर्ड्स पढ़ेंगे, आपकी बुक में भी दिए हुए हैं, और उन्हें अच्छे से लर्न करके उसके बाद में नोट कर लीजिएगा और लर्न करिएगा. ओके स्टूडेंट्स, नाउ थैंक यू सो मच. टुडेस क्लास इज ओवर.